नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 50 नंबर लेक्चर जो अपने करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था हर्ड मानिया। अब देखिएगा, हर्ड मानिया का जो अपने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक था वो था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्ड मानिया। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हर्ड मानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आप में थोड़ा विशेष प्रकार का है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के इसके हर्ट में, इसके ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की कपाट नहीं पाई जाती, इसके कारण इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। वो वेंट्रोडोर्सली सर्कुलेट हो सकता है, डोर्सो वेंट्रली सर्कुलेट हो सकता है। इसमें आपको बताया था कि जो धमनी है वो शिराओं के रूप में चेंज हो जाती है, और शिराएं जो किसके रूप में चेंज हो जाती है, धमनी के रूप में चेंज हो जाती है। इसका जो सबसे अंग होता है वो मुख्यतः इसका मेंटल या टेस्ट होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो ब्रैंकियल एरिया होता है उसके अंदर जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाए जाते हैं, वो भी सबसे में क्या होती है, सहायक होती है, जो अपन देख चुके हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात, ऑर्गन के रूप में न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। अब न्यूरल ग्लैंड जो है वो मैं बताता हूँ कि ब्रेन के पास स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया, न्यूरल ग्लैंड कहा गया है। और न्यूरल ग्लैंड जो होता है ये 4 mm लंबी और 1 mm क्या होती है, मोटी संरचना होती है। मोटी संरचना होती है, 4 mm लंबी और 1 mm क्या होती है, मोटी संरचना होती है। और ये एक उत्सर्जी ग्रंथि होती है। एक्चुअल में ये वास्तव में एक उत्सर्जी ग्रंथि होती है। क्या होती है? उत्सर्जी ग्रंथि होती है। ये शरीर में मध्य पृष्ठ सतह पर ब्रेन के ठीक ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि से कई सेंट्रल ट्यूब्यूल्स निकलती है। जो कि आगे जाकर पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स में खुलती है। और ये पेरिफेरल जो ट्यूब्यूल होती है ये आगे जाकर के किस में खुलती है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल में खुलती है। ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब में खुलती है। ये ट्यूब सीलेटेड फनल के रूप में
पेरिफेरेंजियल जोन या एरिया में खुलती है, में खुलती है। तो ये अभी मैं आपको डायग्राम से और बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो एक्सेलेटरी ऑर्गन है उसके रूप में क्या पाई जाती है, केवल न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। और ये न्यूरल ग्लैंड जो होती है ये कौन से एरिया के अंदर होती है, इसकी जो पृष्ठ सतह होती है जहाँ पर अपने बात की थी डोर्सल लेमिना पाई जाती है, डोर्सल लेमिना के ठीक ऊपर इसका ब्रेन स्थित होता है, और ब्रेन के ठीक ऊपर क्या स्थित होती है, इसकी ये ग्रंथि स्थित होती है। ये ग्रंथि जो होती है ये ब्रेन के ठीक ऊपर स्थित होती है, और जो अपने डोर्सल ट्रबिकली जो अपने बात की थी जो कि इसका एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है उसके ठीक पीछे होती है, और ब्रेन के ठीक क्या होती है, उपस्थित होती है, ग्लैंड के रूप में होती है। तो वो 4 mm लंबी और 1 mm क्या होती है, मोटी संरचना होती है, और उत्सर्जी ग्रंथि भी कहते हैं इसका एक सामान्य नाम और है। और शरीर की मध्य पृष्ठ ब्रेन के ठीक क्या उपस्थित होती है। इस ग्रंथि में कई क्या होता है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स किस में खुलती है, आगे प्रीधि नलिकाओं में खुलती है। प्रीधि नलिका एक ही नलिका में खुलती है, या यूँ कह सकते हैं सभी प्रीधि नलिका मिलकर के एक मुख्य नलिका का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स या लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब जो है वो क्या करती है, ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनके बीच में से होते हुए जो पेरिफेरेंजियल या प्रीफेरेंजियल सॉरी पेरिफेरेंजियल जो जोन है या एरिया है वहाँ पर जाकर के खुलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इसके जो भी यूरेट कण हैं उसके अलावा जेंथिन है, इनको क्या करती है ये इकट्ठा करती है ये ग्रंथि। तो इकट्ठा करके क्या करती है ये कहाँ पर भेजती है इसको, प्री ब्रेंकियल, इसको कहाँ भेजती है, प्री ब्रेंकियल जो अपना एक जोन है या एरिया है, प्रीफेरेंजियल कह दो या प्री ब्रेंकियल कह दो, प्रीफेरेंजियल भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। जोन है वहाँ पर क्या होती है इसको भेजती है या छोड़ देती है। छोड़ने के बाद में क्या होता है उसको फिर बाहर निकलते हुए जल के साथ क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके जो उत्सर्जी कण हैं, उत्सर्जी पदार्थ जेंथिन व यूरेट कण होते हैं। ये क्या इसके उत्सर्जी पदार्थ है। अब यदि इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर स्थित होती है। पहले तो पोजीशन देखें इसकी, यहाँ पर स्थित होती है एक्चुअल में इस एरिया के अंदर। ये प्रीफेरेंजियल क्या होता है अपना, प्रीब्रेंकियल जोन है की बात है, ये एरिया होता है आपको ध्यान होता है। ये अपना ब्रेंकियल अपर्चर है, ये ब्रेंकियल साइफन है, ये एट्रियल अपर्चर है, ये एट्रियल साइफन है, आपको ध्यान होगा ये बात बताई हुई है। तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर ब्रेन स्थित होता है, यहाँ डोर्सल ट्रबिकुली अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो यूँ संरचना होती है, और यहाँ इस जगह ये नर्व निकली रहती है, और यहाँ पर ये एक ट्यूब होती है, यहाँ से होते हुए इस एरिया के अंदर ही खुलते हैं। ये होती है, तो ये क्या है, न्यूरल ग्लैंड है, ये ब्रेन के दो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो, ये इसके कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब है, और ये डोर्सल ट्रबिकुली है, जिसको हम कहते हैं पृष्ठगुलिका भी कहते हैं। तो ये कौन सा एरिया है, प्रीब्रेंकियल या प्रीफेरेंजियल जोन है, प्रीब्रेंकियल क्या ये जोन है या एरिया है जिसके बारे में आपको बताया हुआ है, जो फेरिंग से ठीक पहले का क्षेत्र होता है, और इस एरिया के अंदर इसके स्फिंक्टर होता है, इस एरिया के अंदर इसके टेंटिकल्स होते हैं, और इस एरिया के अंदर ये दो बैंड पाए जाते हैं, एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड, यानी कह सकते हैं एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड और पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड, और इसके बीच में ग्रुप पाए जाते हैं, उस ग्रुप के अंदर सीलिया लगे होते हैं जिसके कारण वजन संता, ये बात अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीब्रेंकियल जोन ये रहा, यहाँ पर ये क्या खुलते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब में, इसको थोड़ा गहराई बना देता हूँ, ये ट्यूब होती है यहाँ खुलती है। तो ये इसकी स्थिति होती है, न्यूरल ग्लैंड की पोजीशन, अब डोर्सल पोजीशन पे है,
आपको दिख ही रहा है, तो इस कारण इसको क्या कहा गया है, डोर्सल न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल ग्लैंड कहा गया है। अब देखिएगा, न्यूरल ग्लैंड कहने का मतलब ये है क्योंकि ब्रेन के ठीक ऊपर है, और इसकी जो ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब है ये क्या होती है, इन ब्रेन की जो नर्व्स होती है इनके बीच में से होकर इस प्री ब्रेन के जोन के अंदर खुलती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्लैंड जो है जैंथिन और यूरेट को पृथक करती है, पृथक करने के बाद में इस लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब से कहाँ छोड़ती है, प्री ब्रेंकियल जोन में छोड़ती है। प्री ब्रेंकियल जोन में छोड़ने के बाद इसके दो तरीके से बाहर निकला जाता है, इसको या तो यहीं से बाहर निकाल दिया जाए, या क्या होता है जो जल फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से फिर जो एट्रियल कैविटी में आता है, एट्रियल कैविटी से जो जल एट्रियल साइफन से होती है, एट्रियल अपर्चर से शरीर से क्या निकलता है बाहर, उसके साथ इन उत्सर्जित पदार्थों को क्या किया जाता है शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये इसका क्या रहता है सिस्टम रहता है। तो अब अपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं, अगर स्ट्रक्चर को देखें थोड़ा बड़ा करके इसमें, ये पोजीशन रहती है इसकी, इसकी अपने न्यूरल ग्लैंड की। ये न्यूरल ग्लैंड है, ये इसका क्या रहता है सिस्टम रहता है कि इसके अंदर ये तीनों संरचनाएं पास पास में क्या होती है, स्थिति होती है। तो ये अपने इसमें न्यूरल ग्लैंड के ठीक ये नीचे जो है ये क्या, इसका ब्रेन है, ब्रेन से ये नर्व निकल रही है, और उसके ठीक पास में क्या होती है डोर्सल ट्रबेकली जो है पर्श गुलिका जो पाई जाती है, जो इसका रिसेप्टर ऑर्गन है, जो जल जल की रासायनिक जाँच करता है, उसको सूंघने का कार्य भी करता है। तो ये नीचे फिर अपने लेमिना डोर्सल लेमिना वाला एरिया आ जाता है यहाँ पर, यानी ये एरिया आ जाता है डोर्सल लेमिना। तो इस एरिया को हमने क्या किया, बड़ा करके देख लिया यहाँ पर। तो न्यूरल ग्लैंड ये क्या, इसकी ये ब्रेन है, ब्रेन की ये नर्व निकल रही है, और ये क्या डोर्सल ट्रबिकुली। अब देखिएगा कि ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स होती है किसकी, न्यूरल ग्लैंड की, और ये जो एरिया होता है ये सीलिएटेड एपिथेलियल से बना होता है, जो कि फनल कहते हैं इसको, सीलिएटेड एपिथेलियल फनल भी बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, इसका प्रीफेरेंजियल एरिया होता है यहाँ पर, जहाँ ये आकर के खुलती है, क्योंकि प्रीफेरेंजियल एरिया के पास में क्या स्थित होता है, इसके डोर्सल ट्रबेकुलर स्थित होती है। अब देखिएगा इसके अंदर, यदि संरचना की बात करें,
तो होता क्या एक्चुअल में कि इसके अंदर कुछ ये जैसे अपने ग्लैंड मान लेते हैं, इस ग्लैंड से क्या निकलती है, कुछ ऐसे इस प्रकार से सेंट्रल ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। वो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर के इस तरह से आपस में मिलकर के पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स का निर्माण करती हैं। इस तरह से पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स बनती है। ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये संख्या में कई होती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से होते हैं और इससे फिर क्या निकलते हैं, एक ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स निकलती है ये वाली। तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है, अब देखिएगा कोई भी जंतु का उत्सर्जी अंग होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर भी ये न्यूरल ग्लैंड है, ये भी क्या करेगी कि इसका जो रक्त होता है उस रक्त से जैंथिन है, यूरेट कण है और नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ उनको अलग करती है, क्योंकि उसका जो ये ग्लैंड जो होती है ये उस द्रव रक्त के संपर्क में रहती है और वहाँ से पदार्थों को अलग करके कहाँ छोड़ देती है, इन सेंट्रल कैनाल में, सेंट्रल कैनाल से इन पेरिफेरल कैनाल में, पेरिफेरल कैनाल से फिर कहाँ छोड़ा जाता है उसको, इस अपनी जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, और लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल के यहाँ खुलती आगे के डोर्सल ट्रबिकुलर पर्श गुलिका के पास में स्थित जो प्रीफेरेंजियल एरिया होता है या वहाँ पर खुलती है, और प्रीफेरेंजियल एरिया जो होता है उससे जो यूँ कह सकते हैं ब्रैंकियल साइफन के पास स्थित होता है वो, तो जो जल वापस ब्रैंकियल साइफन से बाहर निकलता है या तो उससे बाहर निकाल दिया जाए, या जो एट्रियल साइफन है उससे जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ क्या निकाला जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या उत्सर्जी अंग है। अब बात करते हैं इस जंतु के जो कुछ विशेष रिसेप्टर्स की या सेंस ऑर्गन की अपने बात करते हैं। तो सेंस ऑर्गन की यदि हम बात करें तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये आपको पता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिली बनी हुई संरचनाएं होती हैं, जो कि इसके जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उनका क्या करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। तो सेंस ऑर्गन को यदि हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन जो है आपको पता है क्योंकि इसका जो मोस्टली भाग जो ज़्यादा जल के संपर्क में रहता है वो ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन रहता है, यानी ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, और ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन में से भी अगर बात करें तो ब्रैंकियल साइफन क्या करता है, जल को अंदर लेता है, भोज्य पदार्थों को अंदर लेता है। तो इसका मतलब जो मोस्टली सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्रैंकियल साइफन के पास या ब्रैंकियल साइफन वाले एरिया में, जो ब्रैंकियल अपर्चर है उस एरिया के अंदर मोस्टली ये पाए जाते हैं, तो उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो सेंस ऑर्गन या जिनको हम संवेदी अंग कहते हैं, जो कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या कराते हैं, जंतु को ज्ञान कराते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला है टैंगो रिसेप्टर, या जिसको हम स्पर्श ग्राही कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, टैंगो रिसेप्टर या स्पर्श ग्राही। अब स्पर्श ग्राही यानी जो किसका ज्ञान करता है, इसको स्पर्श का ज्ञान करवाता है। अब जो स्पर्श ग्राही होता है ये जो साइफन होते हैं ये साइफन के किनारों पर पाए जाते हैं, उसके अलावा जो अब चूँकि इसका जो टेस्ट या चोल है उसके ऊपर पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो इसके टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। तो ये स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दोनों साइफन के किनारों पर। उसके अलावा सारे टेस्ट पर, उसके अलावा एम्पुली के सिरों पर वह टेंटिकल्स के पास स्थित होते हैं। कौन से, टेंगो रिसेप्टर या स्पर्श ग्राही। तो स्पर्श ग्राही किसका ज्ञान करते हैं, स्पर्श का, जो कि साइफन के किनारों पर सारे टेस्ट पर, और टेस्ट के भी कौन से भाग पर, जो एसएमएनिया भाग होता है, कौन सा,
एस एवेनिया, एस एवेनिया का मतलब जिस भाग के अंदर ब्लड वेसल्स का जाल कम होता है उसे एस एवेनिया कहते हैं। एम्पुली के सिरों पर टेंटिकल्स के क्या होते हैं, पास में स्थित होते हैं। तो ये इसके कौन से होते हैं, टेंगो रिसेप्टर। दूसरे होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश ग्राही अंग होते हैं, यानी प्रकाश और अंधकार का इनको ज्ञान कराते हैं। ये संवेदी प्रकाश के प्रति होती हैं, और ये जो होती हैं छोटी छोटी तुम्बिकाओं के, या यूँ कह सकते हैं पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, जो कि लाल वर्णक युक्त होती हैं। और ये जो साइफन होते हैं उनके किनारों पर, और जो अपने वेस्कुलर जो एम्पुली होती हैं, सेवनी तुम्बिकाएँ होती हैं, उनके सिरों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, यानी पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। ये फोटो रिसेप्टर की बात करें, दो नंबर इसमें कौन सा है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर प्रकाश ग्राही कहाँ कहाँ पाए जाते, पहली बात तो ये पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जो लाल वर्णक युक्त होती है, युक्त होती है। कौन सा वर्णक होता है इनमें, लाल वर्णक होता है। इन्हें ओशली भी कहा जाता है। ये दोनों साइफन के किनारों पर मैं आपको ये बताता हूँ, मोस्टली जो रिसेप्टर हम पढ़ रहे हैं ये साइफन के किनारों पर तो मिलेंगे साइफन के किनारों पर, वह वेस्कुलर एम्पुली के पास स्थित होते हैं। अब ये क्या करवाते हैं, केवल प्रकाश और अंधकार का ज्ञान इनको कराते हैं। उसके अलावा अगला है रियो रिसेप्टर, या यूँ कह सकते हैं धाराग्राही। धाराग्राही जो जल धाराओं के प्रति संवेदी होते हैं, और ये केवल और केवल कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके जो दोनों साइफन उनके किनारों पर, रियो रिसेप्टर धाराग्राही। तो ये जल धारा के प्रति संवेदी होते हैं, संवेदनाओं का ज्ञान करवाते हैं। ये दोनों साइफन के किनारों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, दोनों साइफन के कहाँ पर स्थित होते हैं, किनारों पर स्थित होते हैं, कौन से, धाराग्राही। उसके अलावा अगला है अपना थर्मोरिसेप्टर, जिसको हम उष्माग्राही कहते हैं। ये तापक्रम के प्रति क्या होते हैं, ग्राही होते हैं, और ये भी दोनों साइफन के क्या होते हैं, प्रति जो है दोनों साइफन के किनारों पर होते हैं, और तापक्रम के प्रति क्या होते हैं, यानी जो जल का तापमान है उसका इनको ज्ञान करवाते हैं। उसके अलावा जो एक है इसके अंदर किमोरिसेप्टर की यदि बात करें तो अपने पृष्ठगुलिका को अपने देखा था, डोर्सल ट्रबिकुली को देखा था, तो डोर्सल ट्रबिकुली या पृष्ठगुलिका के बारे में बताया था, जो कि पृष्ठ सतह पर होती है। थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम में भी देखा है, वो क्या काम करती है, थर्मोरिसेप्टर, मैं आपको लिख देता हूँ इसको, थर्मोरिसेप्टर, और पाँचवा था कौन सा था, किमोरिसेप्टर। तो जो डोर्सल ट्रबिकुली है, पृष्ठगुलिका जो होती है, वो पृष्ठगुलिका जो कि पृष्ठ सतह पर ब्रैंकियल साइफन के पास स्थित होती है, ब्रैंकियल साइफन के पास स्थित होती है जो कि जल की रासायनिक जांच करती है। वह जल के स्वाद का भी ज्ञान करवाती है। अभी अपने डायग्राम बनाए थे ना इस तरह से, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है डोर्सल ट्रबिकुली या पृष्ठगुलिका के बारे में, तो ये अपनी इस तरह से एनिमल था, और यहाँ पर ये प्रीफेरेंजियल बैंड एरिया था, यहाँ पर ये स्थित होती है इस तरह से, जो अपने बनाया था, ये होती है डोर्सल ट्रबिकुली या पृष्ठगुलिका जो होती है। तो ये क्या करती है, जो जल अंदर आ रहा है साइफन से, ये कौन सा होता है, ब्रैंकियल अपर्चर, ये ब्रैंकियल साइफन है, यहाँ से जो जल अंदर आ रहा है उसकी
जल की रासायनिक जांच करती है, जल की उसकी गंध का भी ज्ञान कराती हैं और साथ में उसके जल को स्वाद को भी बताती है। यदि जल लेने योग्य है तो उसको अंदर ले लिया जाएगा, अन्यथा क्या होता है, यहीं से क्या किया जाता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, कौन है, ब्रैंकियल साइफन। तो ये इसके मोस्टली कौन से होते हैं, अपने रिसेप्टर्स होते हैं। कल अपने इसके बात करेंगे डोर्सल ट्रबिकुली की, थोड़ा सा उसको देखेंगे कि संरचना कैसी होती है। और वैसे तो इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक शंखनुमा एक कुंडली संरचना होती है जो डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, जिसको अपने कल देखेंगे। कल इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो देख करके ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।